हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शाहबाज और आप देख रहे हैं ऐसे के क्रिएशंस। तो गाइज, आज की वीडियोस में हम आपको एक सैंपल से जिसकी स्टिचिंग करके उसका फाइनल लुक दिखाने वाले हैं। और ये सैंपल्स हमने खासकर आप लोगों के लिए बनाया गाइज, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छा सैंपल्स बना के उसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाई जाए। तो इसका मग्गम हो चुका है, इसकी कटिंग हम आपको करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टिचिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस, चलते हैं वीडियोस की तरफ। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेडीज फैशंस को लेके एवरीडे 10 बजे मॉर्निंग में एक वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियोस की तरफ। वीडियोस को एंड तक देखिए और कुछ सीखिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने ये डिजाइन बनाया है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम हाइट मेजर करेंगे, फिर वेस्ट, फिर अगेन चेस्ट, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, ये नेक का है, ये शोल्डर का, और ये चेस्ट वेस्ट, ठीक है। अब चेस्ट का हो गया, वेस्ट चेस्ट की लाइन मारेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मैं सैम्पल सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ नया आपको दिखाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्लीव्स है। तो अब फ्रंट कट करेंगे इस तरह से। आयरन ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज सिलाई में आयरन का काम उतना होता है जितना कि चाय में शक्कर का काम, समझ गए आप। आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टिचिंग में या फैशंस में, आयरन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको कटिंग करनी है। आप अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वीडियोस को पॉज कर करके इजीली कटिंग देख के कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मग्गम वर्क जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट कटिंग रहती है थोड़ी सी, और जो प्लेन ब्लाउज रहता है उसकी थोड़ी डिफरेंट कटिंग रहती है, पर फिटिंग दोनों की एग्जैक्ट सेम ही होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डॉट्स कर लेंगे। ये डॉट्स साइज़ के हिसाब से होती हैं, ठीक है। बड़ा साइज़ है तो 3 इंच रखेंगे, अगर छोटा है तो 2 2.5 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब स्लीव्स कट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। नापेंगे एक बार, 10.5 है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे मार्किंग, ठीक है। ये देखिए आर्मोल का निशान आपको नाप के ही लगाना है, जो आप साइज़ का बना रहे हैं या जिस भी मेज़रमेंट का बना रहे हैं आप, उसका आर्मोल को हमेशा नाप के ही रखें आप, तो फिटिंग में बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब बेल्ट कट करेंगे, जो ब्लाउज की बेल्ट है, 3 इंच इधर रहेगा वेस्ट, फिर 2 इंच मार्जिन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अभी मैं आपको मेन क्लॉथ कट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से देखो, ये पहले तो बैक कट करेंगे, फिर स्लीव्स कट करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा के कट करें आप, फ्रंट कट करेंगे, बढ़ा के कट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हमेशा बढ़ा के कट करें, जिससे कुछ अगर इशू होता है तो आप उसे सॉर्ट आउट कर लें। अब ये बेल्ट निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखिए हो गई। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे ईजिली मैं आपको हर वीडियोज़ में स्टिचिंग में बताता हूँ, सबसे पहले तो हम बेल्ट स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। और ये जो ब्लाउज़ का कलर है ग्रीन कलर, ये डबल शेडेड है, तो आपको थोड़ा लाइट कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बेल्ट को स्टिचिंग करेंगे इस तरह से, अपोजिट बनाना है हमेशा, याद रखें। अपोजिट बनाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको कंपलसरी खोलना पड़ेगा, जिससे कपड़ा भी डैमेज हो सकता है, ओके। तो अब स्लीव्स को सिंगल बूट लगा के पहले पूरा जो वर्क का काम है वो कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से सिंगल बूट लगा के, ये देखिए, ओके, इस तरह से कर लेना है, ये देखिए, ठीक। दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे ही सेम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, ओके, इस तरह से कर लेना है, डन। मशीन सर्विस मांग रही है मेरी। अब बैक को भी, पहले हम बैक में भी ना सेम वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक में लगा लेंगे, नेक में स्टिचिंग लगा लेंगे, जो मग्गम का काम है उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि स्लीव्स में मग्गम में स्टिचिंग लगाना है, क्योंकि
मशीन जो है जैक ये सर्विस पे है, तो अभी ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी जिससे टाके छोड़ेगी या वर्क डैमेज करेगी, तो इसलिए हम सिंगल बूट लगा के पहले काम इसको कंप्लीट कर लेंगे मग्गम का, उसके बाद में अगेन डबल बूट लगाएंगे जिससे हम पक्का करके पूरा ब्लाउज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फ्रंट में भी वैसे ही स्लीव्स वो लगा लेनी स्टिचिंग। ये अभी मतलब ये एक तरह का आपको इजी काम का टिप्स है, आप इजी कर सकते हैं इससे। डबल बूट में आपको वर्क के किनारे चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, निडिल भी ब्रेक हो जाती है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, ये डिफ़िकल्ट रहता है। अब स्लीव्स को पक्का करेंगे इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब इसको साइड में जो है पूरी स्टिचिंग लगाएंगे। अब बैक को कट करके, और ये कपड़ा आपको फेंकना नहीं है, ये संभाल के रखिए, क्योंकि जो काज पट्टी और हुक पट्टी बनती है ना वो इससे ही बनती है। अब मग्गम पे मारेंगे स्टिचिंग, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, बहुत आपको नीचे से बूट को मैनेज करना पड़ता है, नीचे जो आपको कंट्रोल पैनल दिया जाता है जैक मशीन में, आपको उससे बूट को मैनेज करना है, कम ज़्यादा कैसे करना है, उठाना है कहाँ पर, नीचे रखना है, वो ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह से अब वो बैग की नीचे की पट्टी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग से भी आप लगा सकते हैं अगर कपड़ा ज़्यादा है तो, फ्यूचर में अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो ये अच्छा तरीका है, आप इसी में लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो आप फ्रंट को पक्का करेंगे इस तरह से, ये देखिए। मैंने एक इसमें गलती कर दी, जो मैं ये क्लॉथ को डबल शेड पर बना रहा हूँ, जिससे वीडियोज़ में थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स आ रही है, मुझे एक ही कलर में बनाना था, मैंने गलती कर दी, पर आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, एक ही कलर लूँगा जिसमें डबल शेड होगा, वो क्लॉथ पे सैंपल नहीं बनाऊँगा। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स आ रही हैं, येलो एंड फिर लाइट फिर डिम, इस तरह से। अब नेक कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, पर ये डबल शेड क्लॉथ में बनाने में ये फ़ायदा है, जैसे कि ज़्यादातर साड़ियों में डबल शेड ही होता है, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपका मैच हो जाता है सेम क्लॉथ। अगर साड़ी का क्लॉथ अच्छा नहीं है तो इसमें ही बनवाने का एक ऑप्शन रहता है, मग्गम वर्क के लिए क्लॉथ आता है जिसको हम काटन सिल्क बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो उस पर बनाने के लिए आता है, ये देखिए। आप किसी साड़ी में डबल शेड है, किसी में सिंगल शेड है, तो उसी हिसाब से आप कपड़ा देख के भी परचेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये देखिए, ठीक है, पक्का हो गया। अब पट्टी लगाएंगे, ये एक साइड तो वर्क है, एक साइड तो प्लेन है, उसके लिए ये पट्टी होती है। ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। अब शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखिए। आपको जो शोल्डर जॉइंट करना है ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि शोल्डर जॉइंट करने में जो वर्क होता है बैक और फ्रंट का, उसको बिल्कुल बराबर रखना है, ज़रा सा भी स्पेस ना दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर आपने स्पेस दिया तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर रखना है कि आपको जो फ्रंट बैक का बॉर्डर है वो सेम मिल जाए। आप स्लीव्स चढ़ाएंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बीच सेंटर से ही स्लीव्स चढ़ाएं, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल बराबर ही आएगी अगर आप कटिंग सही करते हैं तो। ठीक है, अब साइड लगाएंगे इस तरह से, तो गाइज़ आप फाइनल लुक देख सकते हैं ब्लाउज का, कितना शानदार लग रहा है, और ये बहुत ही ब्राइडल कलेक्शन है। इसको आप मार्केट में अभी तक तो आपने नहीं देखा होगा, पर अगर मार्केट में आपको इसको परचेस करना है तो पट्टा डिज़ाइन बोलते हैं इसको, या आप इस ब्लाउज़ को परचेस करना चाहते हैं तो इजीली डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिए गए, आप कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी भी ईजिली करा दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ही ब्राइडल कलेक्शन में आता है। ठीक है, ये एवरीडे यूज़ के लिए नहीं है, जैसे मेन मेन फंक्शन है उन पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाऊंगा अभी, तो अभी इसका बैक का फाइनल लुक देख लीजिए, कितना शानदार लग रहा है, शायद आपने इससे पहले कभी ऐसा ब्लाउज़ नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए। और ये फ्रंट है, आप देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, ये देखिए, वन साइड वर्क है, वन साइड प्लेन होता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा गाइज ये वीडियोस आपको कैसा लगा। ठीक है, स्लीव्स भी देख सकते हैं, फुल हैवी ब्लाउज है, फुल ब्राइडल कलेक्शन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, और वर्क क्वालिटी आपको इससे बेहतर शायद ही कहीं नहीं मिलेगी, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में।
थैंक यू सो मच, बाय। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने देखा, मैंने उस ब्लाउज की पहले कटिंग करी, फिर उसकी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप करी, मुझे ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये गाइस ब्लाउज बनने के बाद कितना शानदार लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियोज़ को भी लाइक, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग लेडीज़ फैशंस को लेकर वीडियोज़ एवरीडे लाता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय।